बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटकार होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। तो आज मैं हाजिर हुई है आपके पास एक चटपटी रेसिपी के साथ। यह है चटनी, आम की चटनी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जिसके लिए मैंने एक अदद कच्चा आम लिया है, कैरी जिसको कहते हैं, और थोड़ा सा धनिया लिया है, एक कप, हाफ कप के बराबर, हाफ कप के बराबर धनिया लिया है और हाफ कप के बराबर पुदीना लिया है, चार से पांच हरी मिर्च ली है और चंद जवे लहसुन के लिए है। और थोड़ा सा ज़ीरा है हाफ टी स्पून, और नमक हसबे ज़ायका इसमें ऐड करके तो इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। और किसी भी आप चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं, ये बहुत मज़े की, बहुत यम्मी होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जी गाइस, ये ज़ीरा डाल दिया है मैंने इसमें तकरीबन वन टीस्पून के बराबर, और वन टीस्पून के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। जी, तो ये इस तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे इसको और ये पेस्ट की शक्ल में आ जाए। और ये तैयार होगी हमारी यम्मी टेस्टी स्पाइसी चटनी। गरम गरम चपाती के साथ खाएं, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।